आज अपने 9th कक्षा के इतिहास के विषय का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे, फ्रांसीसी क्रांति। देखिए, आपके इतिहास का पहला चैप्टर लगता है फ्रांसीसी क्रांति, जिसके अंतर्गत जो आपको बताया जाएगा कि फ्रांसीसी समाज किस प्रकार का था, वहाँ पर क्रांति की क्या आवश्यकता पड़ी, या फ्रांस में जो जनता थी उसने क्रांति करने का ऐसा साहसिक कदम क्यों उठाया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको एक कहानी के रूप में, एक फिल्म के रूप में इसको देखते हैं कि शुरुआत का सीन कुछ ऐसा है कि 14 डेट है 14 सॉरी 1789 के अंदर डेट जो है वो है अपनी 1789 के अंदर, जैसे अभी जुलाई का महीना चल रहा है वैसे ही क्या है, 14 जुलाई 1789 है। जैसे आज जो तारीख है अपने इस जुलाई के महीने में आएगी 14 जुलाई, उसी प्रकार से क्या है 1789 के 14 जुलाई को फ्रांस में बैस्टाइल का जो किला है वहाँ पर लोग आक्रमण करते हैं, क्रांतिकारी जो हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपने जिस प्रकार के भी हथियार उनके पास थे, और अलग अलग जगह पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। हथियारों का जो जखीरा था या हथियारों के जो साधन थे या जहाँ पर भी उनको हथियार मिलने की आशंका थी, उन सभी जगहों पर वो लूटमार करते हैं। और उसके पश्चात वो क्या करते हैं कि जो जेल के कैदी थे उनको छुड़ा दिया जाता है। हालांकि संख्या उनकी थोड़ी थी, लेकिन वहाँ पर क्या है जो हथियार है वो अच्छी मात्रा में उनको प्राप्त हुए, और उसके बाद उन्होंने एक एक करके क्या है बैस्टाइल के किले का दहन करना शुरू कर दिया, और वहाँ के राजा और रानी को क्या है बंदी बना लिया गया, और उनको बाद में क्या है ग्लुटाइन कर दिया गया। ये ग्लुटाइन के बारे में मैं बताऊँ आपको, तो होता क्या है कि फर्स्ट जो सीन है हमारा वो उसमें क्या है कि लोग क्रांतिकारी जो हैं वो एक किले की तरफ बढ़ रहे हैं और उसको नष्ट करते हैं, उसको ध्वस्त करते हैं, वहाँ के राजा रानी को क्या है कब्जे में कर लेते हैं। इस बीच में जो राजा है वहाँ का, वो भी सेना को उनके ऊपर आक्रमण करने का आदेश देता है, लेकिन सेना भी जानती है कि वो अपनी ही जनता के ऊपर आक्रमण किस प्रकार से कर सकती है, क्योंकि उसी देश की जनता है और उसी देश की जो सेना है वो अपनी सेना जो है वो अपनी जनता के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहती थी, जिसके कारण क्या है राजा का ये पक्ष भी क्या है कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन ऐसा होता क्या है, ऐसी क्या वजह रही थी कि इस प्रकार से इतने बुरी तरीके से राजा के किले पर हमला करके लोग क्रांतिकारी जो हैं वो राजा का दहन करने का प्रयास करते हैं, राजा का नामो निशान मिटाने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग क्या है अपने जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे करेक्टर होंगे इस पूरी मूवी में या इस पूरे कहानी के अंदर, वो करेक्टर किस प्रकार के हैं। तो देखिए, 18वीं सदी क्या उत्तरार्ध और फ्रांसीसी समाज, जैसे कि मैंने डेट बताई है आपको 1789, ठीक है, उससे पहले एक दिन में क्रांति होती नहीं है और एक दिन में लोग इतना ज़्यादा भड़कते नहीं हैं कि वो क्रांति के लिए आतुर हो जाएं। तो बात आती है 1774 में, जब क्या है लुई 16th जो है वो राजा बनता है, लुई 16वां राजा बनता है फ्रांस का। अब उससे पहले थोड़ा सा इतिहास में चले जाते हैं, इसके जो पूर्वज थे यानी लुई 15वां और लुई 14वां, ये बहुत ही क्या है क्रूर राजा थे, और इन्होंने सभी चीज़ों को केंद्रीकरण कर लिया था। केंद्रीकरण करके इन्होंने क्या है अपने हाथ में सारी सत्ता ले ली थी, सारे कंट्रोल्स इनके अंडर थे। तो यह क्या है बाकी जिस प्रकार के समाज के वर्ग थे उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, जिसका फ़ायदा सिर्फ राजाओं को मिल रहा था। राजा क्या है निरंकुश रूप से क्या है अपने कार्य कर रहा था, और राजा के कार्य में कोई बाधा डालने वाला था नहीं, क्योंकि वो राजा जो थे वो किसी की सुनते नहीं थे। ये क्या है इस प्रकार के राजा थे। और इनके दूसरा कारण ये था कि वो लगातार युद्ध करते रहे, वो लगातार क्या करते रहे अलग अलग स्थानों के साथ युद्ध करते रहे, जिसके कारण वहाँ का जो शाही खजाना था वो धीरे धीरे क्या होता गया समाप्त होता गया। लेकिन 1774 में बर्बन डेंसिटी, बर्बन या आपकी बुक के अकॉर्डिंग बुरबोन, ये जो वंश था राजवंश था, ये वंश क्या करता है इसका 16वां राजा यानी लुई 16वां जो है वो शासन करने के लिए आता है। इसकी शादी हुई थी ऑस्ट्रिया की रानी से, ऑस्ट्रिया की रानी से इसकी शादी होती है,
और जब ये राजा बनता है तो इसको पता चलता है कि इसके जो राजकोष है या इसके राज्य का जो खजाना है वो लगभग क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। उसके अंदर कुछ नहीं बचा है, अब खजाना बचा नहीं है। और लेकिन राजा को क्या चाहिए, अपने राजकीय ठाठ बाठ उसको चाहिए, यानी उसको आदत थी उतनी ऐसो आराम की, उतने वो विलासता से जिया था बचपन से, तो उतनी विलासता उसको अब चाहिए थी। साथ ही साथ क्या है, महल का रख रखाव, क्योंकि अब राजा है तो नॉर्मल तरीके से तो रह नहीं सकता, उसको क्या है हाई क्वालिटी की चीज़ें चाहिए सब कुछ। तीसरा, सैनिक का रख रखाव, अब इसका भी खर्चा लगता था। तो ये बहुत सारे खर्चे क्या है लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन राजकोष क्या हो चुका था, समाप्त होने की कगार पर था, यानी लगभग क्या हो चुका था, नष्ट हो चुका था। जिसका क्या है लगातार लुईस ओल्मा क्या है निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर रहा था। दूसरी बात, राजकोष समाप्त हो चुका था, एक साथ ही साथ क्या है उनके ऊपर कर्ज था, साथ ही साथ उनके ऊपर क्या था, बहुत ज़्यादा मात्रा में कर्ज था, क्या है 10 अरब लिब्रे। लिब्रे क्या है भाई, ये फ्रांस में चलने वाली पुरानी क्या है मुद्रा थी, ठीक है। ये इतना उनके ऊपर क्या है एक प्रकार से कर्ज आ चुका था, साथ ही साथ क्या है राजकोष समाप्त हो चुका था, जिसके कारण या जिसकी भरपाई के लिए लुईस ओल्मा क्या करता है, अधिक से अधिक कर बढ़ाना शुरू कर देता है, टैक्सेस वो क्या है बढ़ा देता है। अब जो टैक्सेस का सिस्टम था, यानी जो कर लगाए गए थे, वो भी क्या है सोच समझ कर या पूरे विधिपूर्वक नहीं लगाए गए थे। अब मैंने दो जो पुराने राजा हैं इनके बारे में बताया था कि उन्होंने शक्तियों को क्या किया था, केंद्रीकरण किया था, लेकिन लुईस ओल्मा जो था वो इतना योग्य राजा नहीं था। लुईस ओल्मा ने क्या है जो केंद्रीकरण किया हुआ था इसके पूर्वजों ने शक्तियों का, उसको क्या कर दिया, विखंडित कर दिया, और इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया एक तो पादरी वर्ग ने और दूसरा जो उच्च वर्ग के लोग थे या राजकीय परिवार से संबंध रखते थे, उन वर्ग के लोगों ने क्या है इसका फ़ायदा उठाया, और इसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर वो क्या है अपने आप को धनवान बनाते रहे और अपने आप को ताकतवर पावरफुल बनाते गए लगातार। जिसमें अपने देखते हैं नेक्स्ट कि ये होता किस प्रकार से है। जो ये राजा था लुईस ओल्मा, वो खुद क्या है विलासता से जीना चाहता था, और अपने जो लगभग महत्वपूर्ण कार्य होते थे वो बाकियों में बांट देता था। साथ ही साथ यह धर्मांधता में था, यानी यह क्या है पादरी के या जो पादरी वर्ग था उसके बहकावे में आ गया, और क्या है अपनी जो शासन की सत्ता थी वो पूर्ण रूप से क्या है पादरी के अनुसार चलाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण क्या है जो गरीब जनता जो थी उसके ऊपर दबाव बढ़ता गया। और होता किस प्रकार से है ये कि जैसा कि मैंने बताया था 10 अरब लिब्रे इनके ऊपर टैक्स पहले से कर्ज था, फिर अमेरिका में जो क्रांति होती है ब्रिटेन के खिलाफ, उसमें फ्रांस क्या है अपने सैनिकों को भेजता है, अपने तरफ से खर्चा से अमेरिका के लिए देता है, क्योंकि फ्रांस का दुश्मन था ब्रिटेन, और इसलिए फ्रांस ने किसकी सहायता की, अमेरिका की सहायता के चक्कर में क्या है और ज़्यादा कर्जवान हो गए फ्रांस के राजा, और ये सारा का सारा भार फिर से क्या है गरीब जनता के ऊपर आ गया। लगातार इस प्रकार से जो कार्य हैं वो
सारा सारा नुकसान का जो भार आता था वो मध्यम वर्ग के लोग या गरीब जनता के ऊपर लगातार बढ़ता जाता था। तो नेक्स्ट देखते हैं अपने कि वर्ग जो थे समाज के वो किस प्रकार से बंटे हुए थे। फ्रांस के समाज को बांटने के लिए क्या है, एस्टेट सिस्टम था, यानी फ्रांस का जो समाज था वो एस्टेट्स में बंटा हुआ था। ये एस्टेट तीन भागों में थे, प्रथम वर्ग या जो सबसे फर्स्ट एस्टेट था उसके अंतर्गत राजा या राजा का परिवार, राज परिवार, राजा या राज परिवार, उसके बाद जो कुलीन वर्ग है, कुलीन वर्ग या इसको कह सकते हैं राजा का परिवार या कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग, इनसे भी ऊपर होते थे पादरी। जैसा कि मैंने बताया था कि लुई सोलवां के ऊपर पादरी या जो चर्च था उसका बहुत ज़्यादा बड़ा वर्चस्व बन गया था, तो इसलिए एस्टेट के फर्स्ट एस्टेट के रूप में पादरी, सेकंड एस्टेट के रूप में राजा या राजा का परिवार या कुलीन वर्ग, और थर्ड एस्टेट के अंदर दो भाग थे, एक में मध्यम वर्ग के लोग जो कि व्यापारी व्यवसायी वकील चिकित्सक शिक्षक आदि प्रकार के जो लोग थे वो थर्ड स्टेट के फर्स्ट पार्ट में आते थे, यानी मध्यम वर्ग में आते थे, जिसमें व्यापारी व्यवसायी वकील चिकित्सक और शिक्षक। तो देखिए तीन स्टेट है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के दो भाग है, पहला भाग है मध्यम वर्ग का और अंतिम के रूप में आते हैं किसान, जिसमें छोटे या बड़े किसान, बड़े किसान का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, थोड़ी बहुत उनके पास भूमि थी। सेकंड इसमें आते हैं कारीगर या मजदूर, कारीगर या मजदूर। थर्डली इसके अंदर भूमिहीन कृषक। इस प्रकार के जो लोग थे वो क्या है, थर्ड स्टेट के दूसरे भाग में आते थे, जैसे मान लेते हैं मजदूर या नौकर। अपनी बुक में आप देखोगे तो क्या है, इसके तीन पार्ट बनाए हुए हैं थर्ड स्टेट के, ठीक है, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से तीन भाग बनाए हुए हैं, लेकिन ये वैसे दो भाग में ही हैं। क्या है, पहली स्टेट के अंदर आएगा पादरी, यानी क्या है, चर्च सबसे ऊपर है, वो पादरी बताते थे भाई कि धर्म सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर क्या है, चर्च है हमारा। उसके बाद क्या है, राजा और या राजा का परिवार, कुलीन वर्ग, ठीक है। तीसरी स्टेट के अंदर आते थे मध्यम वर्ग के लोग, व्यापारी व्यवसायी वकील चिकित्सक शिक्षक किसान बड़े किसान या कारीगर मजदूर भूमिहीन किसान या मजदूर या नौकर। तो आप देख सकते हो कि ये जो भाग है वो समाज का एक बड़ा भाग है, यानी लगभग 90% पॉपुलेशन क्या है, थर्ड स्टेट की है। 90% जनसंख्या जो थी वो थर्ड स्टेट की थी, लेकिन इनके पास जो भूमि थी वो तकरीबन 30% या उससे कुछ ज़्यादा, 30% से कुछ ज़्यादा ही भूमि इनके पास थी, या आप कह सकते हो बाकी के संसाधन जो थे वो इतने ही इनके पास थे, इससे ज़्यादा संसाधन इनके पास नहीं थे, लेकिन यह क्या है, समाज का एक बड़ा हिस्सा था जनसंख्या के रूप में। जबकि ये क्या है, समाज का क्या है, सिर्फ 10% पॉपुलेशन वाला है जिनके पास है बहुत ज़्यादा अधिकार क्षेत्र के रूप में संसाधन और भूमि मौजूद थी, जिसके अंतर्गत क्या है, सामंत आते हैं या राजा के परिवार के लोग आते हैं, खुद राजा, और पादरी वर्ग के लोग में तो सिर्फ पादरी आते हैं, यानी वो तो जनसंख्या का मात्र ही 1% ही था, ज़्यादा था ही नहीं।
लेकिन फिर भी क्या है, उनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन थे, ज़रूरत से भी ज़्यादा संसाधन। और किसी के पास यानी तीसरे स्टेट के पास क्या है, ज़रूरत से भी कम संसाधन इनके पास थे। अब संसाधन तो थे ही थे, साथ ही साथ क्या था, इन जो ऊपर वाले दो वर्ग हैं उनके पास क्या विशेषाधिकार भी थे। इनको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं। फर्स्ट स्टेट पादरी, सेकंड स्टेट राजा या कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग, और थर्ड स्टेट मध्यम वर्ग, जिसके बारे में मैंने बताया है, वकील, डॉक्टर, टीचर या व्यापारी वगैरह थे, किसान, मजदूर, नौकर या भूमिहीन कृषक वगैरह। तो देखिए, ये जो दो वर्ग थे इनके पास संसाधन सबसे ज़्यादा थे ही थे, इसके अलावा विशेषाधिकार थे, प्रिविलेजेस थे इनके पास। बाय बर्थ क्या है, जन्म से ही इनके पास बहुत से विशेष अधिकार इनको दे दिए जाते थे। ये क्या है, इस जो जनता का बड़ा भाग है उससे क्या है अलग थे, इनको क्या है बहुत ज़्यादा विशेषाधिकार थे। जैसे कर नहीं देंगे, टैक्स क्या है बिल्कुल नहीं देंगे, जबकि इनके पास क्या था, संसाधन सबसे ज़्यादा थे, संसाधन सबसे ज़्यादा लेकिन टैक्स ये नहीं देंगे, इस प्रकार का विशेषाधिकार इनके पास था। दूसरा, एक तो ये टैक्स देंगे नहीं, संसाधन सबसे ज़्यादा, तीसरा ये कर वसूल करेंगे, वसूल करेंगे, ये क्या है टैक्स लेंगे, और क्या है कई प्रकार के टैक्स थे, यानी अप्रत्यक्ष कर भी था और प्रत्यक्ष कर भी था। प्रत्यक्ष कर के रूप में क्या है, जनता से सीधे तौर पर क्या है टैक्स लिया जाता था, और अप्रत्यक्ष कर के रूप में क्या है, जैसे नमक है, तंबाकू है, या जो दैनिक जरूरत की चीज़ें होती हैं, दैनिक जरूरत की वस्तुएँ जो थी उसके ऊपर भी क्या लगा रखा था, टैक्स लगा रखा था। और वो टैक्स कौन देने वाला था, ये जो जनता है वो 90% जो भाग था समाज का वो ये टैक्स देने वाली थी। अप्रत्यक्ष के रूप में दैनिक जीवन की जो जरूरी वस्तुएं होती है वो, और प्रत्यक्ष रूप से क्या है जो भी आय होती थी उसके हिसाब से, या आय भी आधार नहीं होता था, राज्य या राजा जो डिमांड करता था कर की, वो कर क्या है प्रत्यक्ष रूप से इनको देना होता था। यानी हम आपको उधर से भी लूटेंगे और इधर से भी लूटेंगे, चारों तरफ से क्या है लूट ही लूट है। यानी राजा क्या है अपनी मनमर्जी का टैक्स क्या है उनसे वसूल करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो अप्रत्यक्ष रूप से भी उन जनता को क्या है टैक्स देना पड़ेगा। अब ये तो सिर्फ दो ही प्रकार के टैक्स हुए हैं, यहाँ बता देता हूँ मैं, एक तो अप्रत्यक्ष कर है जो दैनिक वस्तुओं पे लगा है, दैनिक जीवन में यूजेबल जो वस्तुएं थी उनके ऊपर टैक्स लगा है, और दूसरा प्रत्यक्ष कर है जो राजा सीधे तौर पर क्या है जनता से वसूल करता था। प्रत्यक्ष कर राजा सीधा क्या है वसूल करता था। इसके अलावा दो प्रकार के और टैक्स थे, टाइड और टाइथ, टाइड और टाइल, ये और दो महत्वपूर्ण टैक्स थे। देखिए, जो टाइड टैक्स है वो क्या है, एक प्रकार का धार्मिक कर है, धार्मिक कर है, और ये जो टाइल कर है का नाम आया ये प्रत्यक्ष कर ही है, ये क्या है प्रत्यक्ष कर है। टाइड धार्मिक कर था, यानी जनता से क्या है जो पादरी वर्ग के लोग थे, ये जो वर्ग था वो धर्म के नाम पर इनसे टैक्स लिया करता था।
क्या क्या टैक्स हो गए? दैनिक जीवन की वस्तुओं पर टाइल यानी प्रत्यक्ष कर हो गया, राजा जितना वसूल करेगा उतना। और थर्ड क्या हो गया कि धार्मिक या धर्म के नाम पर भी क्या लिया जाएगा, वह टैक्स लिया जाएगा जो पादरी लेंगे, किससे? थर्ड स्टेट से पादरी जो टैक्स लेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये जो वर्ग है, यानी जो हमारी स्टोरी का हीरो होगा ये, ठीक है, ये जो वर्ग है ये क्या कर रहा है, ये पूरी तरह से क्या है, शोषित किया जा रहा है। किसके द्वारा? इन दो एस्टेट्स के द्वारा। इस वर्ग क्या हो का क्या हो रहा है, लगातार शोषण किया जा रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेट के द्वारा। अब इनको लगातार दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो जब ये दोबारा से ऊपर उठेंगे तो इनकी सत्ता को क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि बेस्टाइल के किले को नष्ट किया गया था। अब देखते हैं कि मैं बताता हूँ आपको कि इनकी कंडीशन कैसी थी। अब इनकी स्थिति के बारे में बात करते हैं, यानी अब हमने सिर्फ समझा है कि ये किस प्रकार से इनका शोषण किया करते थे, अभी समझते हैं कि इनकी एक्चुअल कंडीशन क्या थी। तो देखिए कि इन जो थर्ड वर्ग का लोग थे या थर्ड स्टेट के जो लोग थे, उनको क्या है, जीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। यानी हर दिन जो था इनके जीवन का, वो खाने पीने के लिए या जीने के लिए संघर्ष के रूप में बीतता था। जैसा कि मैंने बताया कि थर्ड स्टेट जो है उसके दो भाग हैं। पहले भाग में आते हैं मध्यम वर्ग के लोग, जिसमें कौन कौन आ गए, व्यापारी, व्यवसायी या टीचर है, शिक्षक है, डॉक्टर है, वो आ गए। और दूसरा इसका भाग है, उसमें आते हैं किसान वर्ग, किसान छोटे या बड़े, मजदूर, मजदूर, नौकर, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर वगैरह। तो ये जो भाग है समाज का, ये भाग क्या है, अपने दैनिक रूप से जीवन जीने के लिए संघर्ष किया करता था। यानी रोजाना इनका जीवन क्या है कि संघर्ष होता था, और रोजाना ये जीने के लिए इनको क्या है, एक तरह से लड़ना पड़ता था। देखिए कंडीशन क्या है, 1715 के अंदर फ्रांस की जनसंख्या थी 2.3 करोड़। जैसा कि मैंने बताया जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, यही है। तो 2.3 करोड़ में क्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी भाग से होंगी, यानी थर्ड स्टेट से होंगी। और ये जो जनसंख्या है वो 1789 तक जाते जाते कितनी हो गई, 2.89 करोड़ हो गई। यानी इतने वर्षों में क्या है, सिर्फ क्या बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है, और वो भी किनकी, इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में। लेकिन इनके पास जो संसाधन बढ़ने चाहिए थे, जनसंख्या के अनुसार इनके पास क्या बढ़ने चाहिए थे, संसाधन बढ़ने चाहिए थे, वो संसाधन बढ़े नहीं पाए, बजाय इसके क्या हुए, कम और होते गए। क्योंकि करों की जो मार थी, यानी लगातार जो टैक्सेस थे वो लगातार ही बढ़ाए गए थे, तो इनके पास कुछ नहीं बचा था, जबकि जनसंख्या क्या हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी, 2.3 से 2.8 करोड़ उस समय जनसंख्या हो चुकी थी। एक और ज़्यादा समस्या आई इनके कि 1774 में अकाल पड़ा, उसके बाद 1789 में भी अकाल पड़ा, और इस तरह क्या है, 1789 आते आते लगभग 4-5 बार फ्रांस में क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। और अकाल पड़ने से किसको नुकसान होगा, किसान को होगा, उसकी फसल क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। लेकिन क्या है, राजा निर्दयी था, राजा क्या है, एक तरह से मकड़ी के रूप में दिखाया गया है कि वो लगातार चाहे कैसी भी स्थिति हो जनता का खून चूसता रहता था। तो वो फसल बर्बाद होने के बावजूद करों में क्या होती गई, वृद्धि होती गई, और वो सारा भार किसके ऊपर आता गया, किसान वर्ग या मजदूर वर्ग के ऊपर आता गया। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, धार्मिक कर था, अप्रत्यक्ष कर था या टाइल नाम का प्रत्यक्ष कर था। तो अकाल पड़े, टैक्स बढ़े, जनसंख्या बढ़ी, संसाधन बढ़े नहीं, तो अब इनके क्या आ गया, खाने के भी
कमी आ गई, खाने की भी क्या आ गई, अब कमी आ गई। यानी ये वर्ग जो था पाव रोटी खाकर, पाव रोटी यानी जिसको अपने डबल रोटी ब्रेड वगैरह बोलते हैं, वो पाव रोटी खाकर अपना गुजारा करने वाला वर्ग था, लेकिन अब इनके पास ये रोटी खाने के लिए भी क्या है, पर्याप्त रूप से कुछ नहीं बचा था। इनका जीवन का संघर्ष क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा था। इनका जो जीविका थी वो क्या आ चुकी थी, जीविका जो थी वो संकट में आ चुकी थी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि समाज का कैसी स्थिति थी, और जो थर्ड स्टेट है जिसने क्रांति की है वो ऐसा करता क्यों है, वो वर्ग जो है वो ऐसा करता क्यों है, उसकी कंडीशन हमने देख ली है कि इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति है फिर भी राजा उनके बारे में नहीं सोच रहा है, तो अब वो राजा के बारे में क्यों सोचेंगे। अब इसका ये तो हमने पढ़ा है थर्ड स्टेट का जो लास्ट वर्ग है उसके बारे में, मध्यम वर्ग क्या कर रहा है उस समय वो भी जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए क्या है, इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़िए, रिवाइज कीजिए और यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर कीजिए। धन्यवाद।